आवाज़ बुलंद सलावात। दुआ गो हूँ खुदावंद आलम हाज़रीन के दिली मकासद पूरे फरमाए, मेरा पाक अल्लाह बानियान के रिस्क में, इज़्ज़त में, तौकीर में इजाफ़ा फरमा, अंजुमन सदाए महदी के तमाम अराकीन की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा। मेरे पाक अल्लाह अगर कोई मरीज़ है तो शिफाए कुल्ली और आजल इनायत फरमा, अगर कोई बेरोज़गार है तो आबरूमंदाना रोज़गार नसीब फरमा। मेरे अल्लाह अहले बैत अतहार की इज़्ज़त व जलालत का वास्ता, हज व ज़ियारात के लिए जो मुश्किलात हैं वो फौरन बरतरफ फरमा। मेरे अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमें उलूम आले मोहम्मद से बहरामंद फरमा, हमें सीरत आले मोहम्मद पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन के दरजात बुलंद फरमा, बारिला हर मोमिन के घर पर अपनी रहमत और बरकत की बारिश नाजिल फरमा। मेरे अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारे वारिस हकीकी इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। मिल के बावाज़े बुलंद सलावात, नारे तकबीर, सारे अहबाब मिल के जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तवज्जो है, मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा और मैं अपने वक्त में बयान ख़त्म कर दूंगा, तो मेरा दिल ये चाहता है कि आज भी आप पैगाम भी लेके जाओ, और फजाइल का समंदर तो अहले बैत अतहार का जारी सारी है, वो कयामत तक ख़त्म नहीं हो सकता। अब मुख्तसर सी आयत पढ़ने लगा हूँ, ये तबलीग भी है और आपके इरफान और अमल में इर्तका का बायस भी बनेगी। अल्लाह ने हुक्म दिया है, वबिल वालिदैन एहसाना, ये कुरान पाक है, अल्लाह का इरशाद है, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, नेकी करो। ठीक है, तो कौन करेगा अपने वालिदैन के साथ एहसान या नेकी या भलाई या अच्छाई, जिसको पता ही नहीं है कि बाप का मकाम क्या है, माँ किसे कहते हैं। कायनात आलम का बदबख्तरीन है वो बंदा जो अपने वालिदैन को छोड़कर किसी और से कहे कि मेरे लिए दुआ किया करो। उसके घर में दो बुजुर्ग हस्तियां मौजूद हैं, बुजुर्ग का मतलब ये नहीं है कि उम्र ज्यादा हो, वालिद होना ये बुजुर्गी है, वालदा होना ये अजमत है। ठीक है, हो ना ऐसी बात, पता ही नहीं है। फिर लोग हमसे पूछते हैं, हमारी जवान औलाद है, कोई अमल बताओ कि वो हमारी बात मानते नहीं है कि मानना शुरू कर दें, उनकी तरबियत ही नहीं की। तुम्हें पता ही नहीं है कि हर बाप बाप नहीं होता और हर माँ माँ नहीं होती, वालिदैन में भी फर्क होता है तो औलाद में फर्क पड़ता है। ठीक है, जो मुकम्मल बाप है या मुकम्मल माँ है तो उसको पता है किस तरह हमने बच्चों की तरबियत करनी है। नाम का माँ बाप होना काफी नहीं है, अमली तौर पे वालिद को वालिद बन के दिखाना जरूरी है। और माँ जो है वो माँ है, माँ की तो क्या ही बात है। और बाज दफा ऐसा होता है, हम सुनते हैं मुआशरे में ये रोले शोले होते हैं, कहीं जायदाद के कहीं रिश्तों के, तो औलाद फिर पार्टियां बना लेती है, आधी औलाद माँ की तरफ आधी बाप की तरफ। ओ भाई, पार्टियां ना बनाओ, बाप बाप है। मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा है कि बाप बाप है। तुम्हें इदराक ही नहीं है कि बाप है कौन, जो घर में दो बुजुर्गवार हस्तियां हैं। मासूम का पाक फरमान है, अल वालिदो लिल औलाद का नबी फिल उम्मत, जिस तरह उम्मत के लिए नबी का दर्जा होता है इसी तरह औलाद के लिए वालिद का दर्जा होता है। समझ आ रही है बात की, मिलके मिलके बा जमात नारा हैदरी हैदरी। ठीक है, जिस तरह नबी उम्मत के लिए होता है इसी तरह वालिद अपनी औलाद के लिए होता है। ठीक है, इनको ये पता चले ना भाई अपने बाप का मकाम क्या है, तो उसके बाद ये मजबूरन आपकी ताजीम करना शुरू कर दें। कितना बड़ा मकाम है ना बाप का, लेकिन वालिदा का कितना मकाम है। वालिदा का
मासूम का पाक फरमान है, वालिद और वालिदा बयक वक्त, मसलन एक काम कहते हैं और तो कोई काम नहीं हो सकता, अला जाहिर जो बयक वक्त एक वक्त में कहा जाए क्योंकि एक वक्त में एक काम होता है। अब वालिदैन खाना तनावल फरमा रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चे से पानी मांगा है, बयक वक्त मांग सकते हैं ना, दोनों को प्यास लगे ठीक है, या उनको खाना खाते हुए लुकमा अटकता है तो पानी मांगते हैं। मासूम ने फरमाया गिलास भर के बाप को पहले ना देना, उसको देना जिसके शिकम में 9 माह तक तू खाता पीता रहा है। बड़ी जल्दी मैं कर रहा हूं क्योंकि थोड़े वक्त में सफर ज्यादा करना चाहता हूं ठीक है। आज और लेट हो जाती है महिले से, मैं इंग्लैंड में पढ़ता रहा हूं ना तो मुझे शौक से सुनते ही इसलिए थे वहां के लोग, मैं घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता था, हर किसी ने जाना होता है काम काज पे। हम सलमान फारसी तो है नहीं ना, अबू ज़र गफ़ारी ना मार यासिर है ठीक है, नींद भी पूरा करनी होती है, उसके बाद मामूलात जिंदगी भी पूरे करने होते हैं, वो भी मजबूरी है, जल्दी जल्दी सफर कर रहा हूँ। मेरे पांचवें इमाम की कचहरी लगी हुई है, कचहरी, और दूर से घोड़े सवार आ रहा है। मेरे मौला ने हर सहाबी को हुक्म दिया, सारे बंदे मेरा हुक्म है, हाँ गर्दने मोड़ के देखो, वो जो गर्द उड़ाता शाह सवार आ रहा है। मैं इमाम होके कह रहा हूं, किसी ने वालिदैन की खिदमत का तरीका सीखना है तो आने वाले जवान से सीखे ठीक है, उस जवान से जो सरपट दौड़ाता हुआ घोड़ा लेके आ रहा है और गर्द मट्टी उठ रही है, उसने मेरी बारगाह में आना है, वो मेरा मानने वाला है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसी से बराह रास पूछ के वालिदैन की खिदमत का तरीका, अब तुम्हें इल्म हो जाएगा किस अंदाज में उसने वालिदैन की खिदमत की है। इतने में वो आ गया, जल्दी कर रहा हूं, उसने मौला को सलाम किया तो सरकार ने फरमाया मेरे करीब आ, करीब आया मौला के कदम चूमे, सरकार ने फरमाया मेरा हुक्म है, चेहरा मजमे की तरफ कर और इनको बता तूने अपने वालिदैन की खिदमत क्या की है और अल्लाह ने दुनिया में तुझे सिला कितना दिया है। ठीक है, वो कहते हैं मौला आप तो बेहतर जानते हैं, सरकार ने फरमाया मैं हुक्म दे रहा हूं तू अपनी जबानी बता कि तूने किस अंदाज में वालिदैन की खिदमत की है। मौला आप बेहतर जानते हैं मेरे वालिदैन ज़ईफ थे, मैंने बड़ी खिदमत की है, मेरे बाबा इंतकाल कर गए उसके बाद मेरी वालदा गिरामी मौजूद हैं, अब भी मौजूद हैं, मैं उनकी बड़ी खिदमत करता हूँ। और एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया उनका बोल चाल काफी अरसे से बंद हो गया है, तो मैं उनको खाना भी अपनी वालदा को खुद खिलाता था, पानी भी पिलाता था। तो एक दिन मैंने अपने अल्लाह से अर्ज किया है करीम अल्लाह कितना है यार, वालदैन की इताअत करने वाले का मकाम तो देखो, इसलिए मैंने कहा है वबिल वालदैन एहसाना, अपने वालदैन के साथ एहसान करो, नेकी करो, भलाई करो, उनकी खिदमत करो, फिर देखो तकदीर तुम्हारी मोहताज होके रह जाएगी। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ तुम दुआ मांगोगे जो कुछ कहोगे अल्लाह तकदीर को हुक्म देगा, जल्दी पूरा कर, जल्दी पूरा कर, क्योंकि ये वालदैन की खिदमत करने वाला बंदा मुझसे तलब कर रहा है। ठीक है, वो बंदा कहता है कि मौला जब मेरी वालदा का बोल चाल खत्म हो गया ना तो वो इशारे से या ऊँ करती थी, तो मैं कभी उनको खाना खिला देता था, कभी पानी पिला देता था। मेरे जहन में ये बात आई कि मुमकिन है मेरी अम्मा को भूख लगी हुई हो और मैं पानी पिला देता हूँ, मुमकिन है उनको प्यास हो मैं खाना खिला देता हूँ। मेरे अल्लाह तू तो बेहतर जानता है, दूध वो गिजा है जिसमें भूख मिटाने की ताकत भी है, प्यास भी मिटा सकती है। मेरे अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, मेरी उंगली से दूध जारी कर, मेरी उंगली से दूध जारी कर, ये वालदैन की खिदमत का नतीजा है। मौला ने फरमाया हाथ छुपा क्यों रहा है, मेरी पज में बैठने वालों को दिखा, उसने यो उंगली की तो उससे दूध जारी हो गया। कहा मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है, अब मेरी अम्मा जो भी बोलती है मैं उंगली उसके मुंह में दे देता हूं, अगर भूख है वो भी मिट जाएगी, प्यास है वो भी मिट जाएगी। या इली, या इली, या इली, या इली।
और दूसरी बात तहकीक कर लेना, तहकीक बिल्कुल तहकीक, ठीक है। और अमेरिका का एक बड़ा सदर गुजरा है, बड़ा मजबूत सदर कैंडी, उसके हालात पढ़ लेना आप, ठीक है। मैंने ये एक मिसाल दी है, दुनिया में चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मोमिन हो या गैर मोमिन, कोई बंदा भी उस वक्त तक इर्तका नहीं कर सकता जब तक उसके साथ वालिदैन और बिलखसूस वालिदा की दुआ ना हो, ठीक है। मैं ये एक आपको हिंस दे के जा रहा हूं, अभी गूगल पे सर्च कर लेना उसके वाकयात में, जैसे वो चर्च में जाता था तो वो हर बात माँ की कही हुई पे अमल करता था, इसलिए खुदा बंदे आलम ने उसको इतनी इर्तका दी है। ये बात बता रहा हूं आम बंदों की, अब मैं एक नबी की बात बता रहा हूं। जनाब मूसा कलीमुल्लाह का लकब है, कोहे तूर पे जाके अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अल्लाह से जाके बोलते हैं, एक मरतबा सफर कर रहे हैं, और ये तबलीग की आखिरी बात है। अब आपका हक बनता है जो जवान हो वालदैन की खिदमत करो, और वालदैन का हक है वो तुम्हें दुआओं के साए में रवाना किया करें। मेरा दावा है जो जवान अपने वालदैन से दुआ लेके जाता है सफर पे, वो साबित भर जरूर आता है, उसका रास्ते में हादसा पेश नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पीछे वालदैन की दुआएं होती हैं। हाँ, वो पिरंदा शिकार होता है जो याद खुदा से गाफिल होता है। हाँ, और पिरंदा शिकार नहीं होता, कितने गोल होते हैं शिकारी, फायर मारते हैं तो वही गिरते हैं जो याद खुदा से गाफिल हों। तो वो बंदे हवादिस का शिकार होते हैं सफर में, जो वालदैन की दुआओं से महरूम होते हैं। जनाबे मूसा सफर करते करते जा रहे हैं, अचानक पैर को ठोकर लगी, गिर पड़े, जख्म भी बहुत बड़ा आया, और हाथ जोड़े बारेला मुझसे कोई गलती हुई है, आवाज कुदरत आई, कोई गलती नहीं हुई, तू नबी है, नबी तो गलतियां करता ही नहीं है। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे अल्लाह मुझे ये बता, फिर ये मुझे चोट क्यों लगी है, जख्म क्यों आया है, ठोकर क्यों लगी है। जागना भाई मेरे मुसलमान भाइयों, अली वालों गौर से सुनना, माँ का मकाम, आवाज कुदरत आई, जब पहले घर से निकलते थे तो तेरे पीछे तेरी अम्मा दुआएं करती थी, अब वो फौत हो चुकी है, उसकी फौत की के बाद तेरा पहला सफर है, अगरचे तू नबी है, माँ के बाद कदम संभाल संभाल के रखा कर। अली 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 अली, ठीक है ना। और हर बंदे की जन्नत उसके माँ के कदमों में है भाई, झुक जाओ, पूरी कायनात से ज्यादा बेहतर है ना, कायनात की खिदमत ना करो, बस दो बंदों की खिदमत कर लो, फिर देखो पर लग जाएंगे इर्तका के, तरक्की के, जोहद वरा के, इल्म और फजल के, अमल और अकीदे और इरफान के। वालदैन की खिदमत तो करके देखो। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारी जन्नत हमारी माओं के कदमों में है। मैं कुर्बान जाऊं बीबी पाक जनाबे सैयदा, जिसके बेटे जवाना ने जन्नत के सरदार भी हैं, उनकी जन्नत बतूल के कदमों में है, ठीक है, जनाबे सैयदा के कदमों में है। एक फैसला भी आज आपने करना है, और बड़ा अहम फैसला है, और ये भी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आप खुश भी होंगे, मुझे दाद भी देंगे, आज से पहले, ये अभी इस वक्त से पहले इंशाल्लाह, किसी और मजलिस में भी मैं पढ़ चुका हूँ मुझसे पहले, ये दावा नहीं आले मोहम्मद की अता है, आप सर्च कर लेना, किसी और आलम दीन खतीब वाय जाकिर आलम का ये जुमला नहीं है जो मैंने अभी आपसे फैसला करवाना है, ठीक है। और दिल यही है कि बीबी पाक जनाब सैयद आलमीन की फजीलत के चंद जुमले और मसाइब भी इसी बीबी का, और वक्त भी पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज, तो नौकरी पूरी हो जाएगी। जनाब सलमान फारसी रसूल पाक की खिदमत आलिया में आए, मस्जिद भरी हुई है, और पता नहीं क्या हुआ जनाब सलमान फारसी को कि आगे मोहम्मद मुस्तफा की खिदमत आलिया में अर्ज करते हैं। और ये पूरी एक हदीस है, ये पूरी मैं आपको सुनाता हूं, तो आज कोशिश यही होगी कि चाहे जितना जल्दी हो एक एक लफ्ज का तर्जमा भी हो जाए, ठीक है। आए और आगे, इससे पहले मैं जो बात कहने वाला था वो ये थी, जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का लकब है खासिफुन्नार,
इसका मतलब है जूते को पैबंद लगाने वाले। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का लकब है खाफिसुन नाल, मोहम्मद मुस्तफा के जूतों को पैबंद जनाबे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब लगाते थे। ठीक है, तो फैसला करना है आपने, जरा गवेड़ के लिए अपने अजहान बुलंद करो ना, सरदार लोग हो, अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी बंदे हो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये खानदानों की रीत है, रवेश है, आज भी रिवाज है खानदानों के, ज्यादा कोशिश होती है कि हम रिश्ते बाहर ना दें, ऐसे है ना। अगर मजबूरी होती है कि मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता तो वो कम अज कम अपने से बेहतर या कम अज कम अपने जैसा खानदान तलाश करके रिश्ता देते हैं। ठीक है, और एक खानदान इतना अजीम हो, मैं आपको मिसाल दूं कि आप सरदार लोग हैं, कि आपका एक मसलन मुंशी है और आप उसको फकत हिसाब किताब के लिए मुअय्यन करते हैं, उसके अलावा उससे और कोई बात कहते ही नहीं है, ना आपके वो घर की कोई राज की बात जानता है, ना वो आपके खानदान के मुतल्लिक जानता है, तो बस वो आपका खादिम है या आपका दोस्त है, उसका हद मंजिलत डेरे तक है। अब मोहम्मद मुस्तफा सरकार की बारगाह में सहाबी कितने थे भाई, मैदान खुम्मे गदीर में 1,25,000, तो हर कोई मानते हो या नहीं मानते हो, इतने थे बोलो ना भाई, बोलो इतने थे बंदे, 1,25,000 बंदा तो था ना 10 हिजरी तक, और अरसा कितना हुआ है, 23 साल तबलीग है रिसालत माप की, इससे पीछे 500-700 बंदा तो हर वक्त रसूल की बारगाह में रहता था, असहाबे सुफा भी आ गए थे। चलो अवायल इस्लाम की बात आप छोड़ें, जब सुफा बन गया था, रिहायशी बंदे आ गए थे जो दीन सीखते थे, मोहम्मद मुस्तफा से पढ़ते थे, इल्मे दीन की तालीम लेते थे, उसके बाद तो रश हर कोई मानता है असहाबे सुफा रिहायशी बंदे थे, चबूतरे पे रहते थे, और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन का पाक बाल सहाबी उनको खाना खिलाया करता था। जब ये बंदे थे तो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने फकत क्यों मोहम्मद मुस्तफा की पापोश को टांके लगाए हैं, मोहम्मद ने किसी और बंदे को जूता क्यों नहीं दिया है, मक्के के मोचियों से सिलवाए तो हैं जूते लेकिन टांके लगाने के लिए किसी और बंदे को नहीं दिए, उन्हीं मोचियों को भी नहीं दिए, दोबारा के इसको टांके लगाओ मुरम्मत करो। खासिफ और नाल मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का लकब पूरे आलम में मशहूर हो गया। तो अब मैं आपके सामने हाथ जोड़ के दावत फिक्र देता हूँ, दावत फिक्र को आपकी जबान में गवेड़ कहते हैं, आप गवेड़ करो, चाहे मोहम्मद मुस्तफा की एक बेटी मानो या 1,000 बेटी मानो, न मैं एतराज करने वाला हूँ न मैं एतराज करता हूँ, लेकिन ये अकल की बात है, अकली बात है, सोचो तो सही। अब जुमला कहने लगा हूँ, हिमालय पहाड़ से भी बदनी जुमला है, और जो मोहम्मद मुस्तफा अपनी पुरानी जूती किसी और बंदे को टांके के लिए नहीं देता, वो मोहम्मद बेटी कैसे दे सकता है। आबाद और शाद रहो। बिस्मिल्लाह समझ आई है बात की है? हाँ, इसलिए जनाबे अमीरुल मोमिनीन ये मुझसे भी पहले उलमाए आलाम ने ये बताया है कि इसकी ये वजह है कि दोनों पापोशे मसलन मेराज पे जाना थी, तो इसलिए जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने टांके लगाए, ये पहले हो चुकी है बात, लेकिन जो इस खाकसार ने की है पहले कभी किसी ने बयान नहीं की। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ, इसलिए जनाबे अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह का इंतखाब हुआ है। अब भी जमाना समझ रहा है जी, हम इन जैसे, ये हम जैसे, कोई बंदा अगर आपके सामने गुस्ताखी करे मोहम्मद मुस्तफा की पाक शान में, ये हम इन जैसे, मैं और तरीका बताने लगा हूँ। ये जो बिजली हम जला रहे हैं, जैसे ये स्पीकर सारा निजाम चल रहा है, इसको अरबी में बोलते हैं कहरबा, इसको क्या बोलते हैं, गूगल सर्च करना, मैं ठीक कह रहा हूं वरना मुझे कल पकड़ लेना, इसको बोलते हैं कहरबा। और जो आसमान पर बिजली चमकती है वो है बर्क,
इसलिए तो इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली कह रहा है या पर को इन जे तलगरिया फकल लहू व तुराक तालम मन बे अरवे का मुदाओ फी का ईसा व मूसा व अहमद व बादहु युतबाओ व फी का जिब्रील व वल मिकाईल व वल बालल मुकद्दस हजमाओ व फी का नूरुल्लाह जल्ला जलालहू लज़वल बसायर यस्तशवाओ व यलमाओ। ये तो कसीदा खत्म होने पे नहीं आएगा, हमारा वक्त खत्म हो जाएगा। जो आसमान पर चमकती है बिजली उसका नाम है बर्क, जो हम बनाते हैं या चलाते हैं इसका नाम कहरबा। ये उस बिजली से कम अज कम 70,000 दर्जे पस्त है। कोई बंदा आके गंदी शक्ल वाला बंदा, गंदे अकीदे वाला बंदा आपसे कहता है कि मोहम्मद मुस्तफा थे चले गए, अब कुछ भी नहीं है, वो हम जैसे थे या हम उन जैसे, उसका गरेबान पकड़ना, उसको जरा झंझोड़ना, कहना ये कहरबा बंदे ने बनाई है, तू इसको हाथ लगा के और फिर जिंदा पच के दिखा, हम कहेंगे तू मोहम्मद जैसा है। अगर तू इसको हाथ नहीं लगा सकता तो आज के बाद बकवास बंद करना छोड़। ओ वो और है जो बिजलियों पे चढ़ के मेराज करता है। आली ठीक है ना इम्तहान सलामत रहो। इसलिए कायनात के आलम के रसूल ने फरमाया था लौला अलीयुन लिमा काना लिफातिमाता कुफ्वन आदम फमन दूनहु। अगर अली अपने अबी तालिब न होते तो फिर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कोई भी मेरी लखते जिगर का कुफ्व न होता। एक बेटी का ये मकाम है और दूसरी बेटियों का कोई मकाम ही नहीं है। ठीक है, हाँ अल्लाह वास्ते नबी पाक ने बेटियों के रिश्ते तकसीम कर दिए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ताकि करो देखो उसके बाद पता चले, कुफ्वियत जरूरी है। तो जनाबे सलमान फारसी बात जहन में है ना, तो सरकारे रिसालत इमाम की खिदमत आलिया में आए, उन्होंने एक सवाल किया और सवाल ऐसे नहीं किया और कहा अल्लाह के नाम का सवाल है, हम भी सवाल करते हैं अल्लाह के नाम पे, हमें ये चीज दे दो। कोई कहता है दो रोटियां दे दो, कोई 50 रुपए मांगता है, कोई कुछ मांगता है। देखो जनाबे सलमान फारसी ने क्या मांगा है। ठीक है तवज्जो आपकी, बात कर लूं पूरी, हाँ वरना रिसाला इमाम सरकार के फजाइल भी बड़े हैं, मैंने ऐनिया भी पढ़ दिया है, वो उसकी मैं तशरीह करना शुरू कर दूं, वो भी वक्त खत्म नहीं हो सकता। नियाज हुसैन जागरण, और आज आपके इस मिंबर पे फैसला हो जाएगा कि अहले बैत अतहार ये नूर हैं या नौज बिल्ला बशर हैं, ये भी अभी पता चल जाएगा। इसी सवाल में जवाब भी है। जनाब सलमान फारसी आए मोहम्मद मुस्तफा की खिदमत आलिया में, कहते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह साल तो कबिल्लाह अल्लाह अकबर तनी मिन फजल फातिमा ताफी यौम अल महशर फअक्बल النبي صلى الله عليه وسلم زاهقا مستبشرا وقال والذي نفسي بيدي والله انها الجاريه التي تجوز في المعشر على ناقه راسها من خشيه الله وعينها من نور الله وزمامها من جلال الله وعنقها من بهاء الله وسنامها من سنام الله من سناء الله وزنبها من قدس अमामेहा वल हसन वल हुसैन मिन वराएहा। जाग रहे हो या नींद आ गई है, मिल के नारा हैदरी। व इन मशत फसबहत व इन रगत قدست عليها حوضج من نور فيه انسية حورية جارية عزيزة وخلقت من ثلاثة اصنام وعلي امامها وجبرائيل عن يمينها وميكائيل عن شمالها والحسن والحسين عن منبرائها
फयुहल्लाहु इलैहा या फातिमतो सलीनी आवलो जहरा खुनसोरेहा जोफरे खुनसोरेहा इला दारे दुनिया लगोशियत शम्स वल कमरो वलो तफाअलत फी माए सबात अबहरन मालहतन लआजबत फयुहल्लाहु इलैहा या फातिमतो सलीनी ओती के व तमन्नाई और ही के व तकूलो इलाही अंतल मुना व फौकल मुना व अशालो का अल्लाह तुअज़े मुहिबी व मुहिबी इतरती बिन्नार फयोहल्लाहु इलैहा आला तुअला नफ्सी मिन कबले अन अखलोक समावात वल अर्ज़ीन बे अल्फे ए अशरे आमिन अल्लाह तुअज़े बो मुहिबी का व मुहिबी इतरत का बिन्नार नारा हैदरी इधर आता भाई। आज मेरा दिल है कि मैं आपको जरा लंबा मसायब भी सुनाऊं, आपको पता चले कि मौलवी भी लंबे मसायब पढ़ लेते हैं। ठीक है, जितने जुमले आपने तर्जमे के लिए खसूसियत के साथ तवज्जो करनी है उतने मैं आपके सामने बयान करूंगा। सात जुमले हैं बीबी पाक की नाका के बारे में। हाँ, जनाब सलमान फारसी ने हाथ जोड़े हैं, हाथ जोड़ के अर्थ कर रहे हैं, साल तो कबीला है, अल्लाह के नाम का सवाल है। आपकी बेटी के जो महशर में फजाइल हैं उनमें एक फजीलत बयान फरमा दें। जनाब सलमान फारसी भाई जो दसवें दर्जे पे फायज है अल्लाह का नाम लेके वो सवाल कर रहा है मोहम्मद मुस्तफा से, तो सरकार ने ये नहीं बताया कि मेरी बेटी का मकाम क्या है। सरकार ने जो बात शुरू की है उसका मतलब यह है कि तू जनाब सैयदा के फजाइल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलबत्ता जिस सवारी पे बैठ के मेरी बेटी मैदान महशर में आएगी उसके फजाइल सुनना। ठीक है भाई, इनके हैवानात की समझ नहीं आ सकती, इनकी सवारियों की समझ ही नहीं आ सकती। हाँ, इनकी सवारी को देखना है तो हसनैन शरीफैन की सवारी देखो। नाना मोहम्मद के इधर सवार, इधर सवार। जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने मेरे भाइयों, मेरे भाई सुन्नी जो तशरीफ फरमा हो अपने उलमा से पूछना, बल्कि नाथ खान तो ये पढ़ते हैं, सच्ची रिवायत है, मुस्तनद है, सही रिवायत है। दोष पे वो फिर रहे थे उठा के मोहम्मद मुस्तफा, जैसे 12 रबीउल अव्वल का जलूस होता है, पीछे पीछे सहाबी हैं, आगे मोहम्मद मुस्तफा हैं। मदीने के सेंटर बाजार में पहुंचे, यारे यार जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने देखा, झूम गए, झूम के फरमाया नेमल मरकब, नेमल मरकब, कितनी अजीम सवारी है। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया आज ये मत कहो बल्कि ये कहो नेमल राकेबान सवार कितने अजीम है। ठीक है, मेरे मौला ने सवाल ये था कि अपनी बेटी की मैदान महशर में एक फजीलत बयान फरमाए। फअकबल नबी ज़ाहिकन मुस्तबशिरन, सारे का सारा मोहम्मद मुस्तफा मुस्कराता हुआ और हंसता हुआ जनाब सलमान की तरफ फिर गया। इतना अहम सवाल लगा है सरकार रिसालत इमाम को, तो मौला ने कसम खा के फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा इक्तदार में मेरी जिंदगी है। फिर कसम खाई वल्लाहे इन्नहल जारियतुल्लती तजूजो फी यौमिल माशरे अला नाकतिन, फरमाया अल्लाह की वाहदानियत की कसम मेरी बेटी जिस नाका पे सवार होके आएगी। रात भी नाकाओं वाला वाकया सुना था। हाँ, वो मेरे मौला हसन मुजतबा ने संगलाक चट्टान का सीना शिकाफ करके वो नाका निकाले थे। अब ये नूर वाला नाका है जिस पे मादरे हसनैन ने सवार होके मैदान महशर में आना है। जागना, मोहम्मद मुस्तफा फरमाते अला नाकतन रासुहा मिन खशियतिल्लाह, ऐसा नाका होगा कि उसका सर अल्लाह की खशियत से बना हुआ होगा। नहीं, आप चुप कर गए हो इसकी वजह। जिस बंदे को खशियत इलाहिया का पता नहीं है, मैं आयत पढ़ता हूं। हाँ, फिर पता चलेगा। सूरह हश्र है, कुरान पाक पढ़ा करो भाई, इसलिए तो मैंने कहा है बड़ा जुर्म है कुरान पाक न पढ़ने का, और फकत पढ़ के न समझने का उससे भी बड़ा जुर्म है। समझो, देखो कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया है क्या कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दूं लराए तो खाशियम मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह,
ये अल्लाह की खशियत से रेजा रेजा हो जाए। वो है अल्लाह की खशियत जो पहाड़ को रेजा रेजा कर दे। मोहम्मद मुस्तफा फरमा रहे हैं, सलमान जिस नाका पे मेरी बेटी सवार होके आएगी उसका सारा अल्लाह की खशियत से बना हुआ है। और उसके बाद फरमाया वअनाहा, ये आंखें नहीं है, अनाहा और साहब की बुला मैं नूरिल्लाह, मेरी बेटी के नाका की आंखें अल्लाह के नूर से बनी हुई हैं। अल्लाह के नूर से लोग ये तलाश कर रहे हैं अहले बैतेदार नूर हैं या बशर हैं। हाँ, इनकी सवारियां नूर हैं, अल्लाह के नूर से बनी हुई सवारियां। ठीक है, हैरान हो रहे हो तो मजीद हो जाओ, चुप करनी है तो और कर जाओ। और उसके बाद मेरे मौला ने फरमाया वखितामुहा, महार नहीं होती, वखितामुहा मिन जलालिल्लाह, ओ अल्लाह के जलाल से डरने वालों, मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया है जो मेरी बेटी की सवारी होगी उसकी महार अल्लाह के जलाल से बनी हुई है। जो है ना है अल्लाह के जलाल से बनी हुई है। और उसके बाद गर्दन वनो को हा मिन सना इल्लाह, ये अब वक्त नहीं है, वक्त तो हमेशा ही ऐसा होता है, कम जर्फ होता है। जर्फ ये वक्त है ना, इसका नाम भी जर्फ जमा है ना, ये वक्त की जगह, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब ये कम जर्फ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर मौल शेख किबला तौहीद अगर आपके पास है अल्लामा शेख सदूक की, तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो तफसीर है वो अपने मजमे को सामईन को सुनाया करो और रश मचाया करो। जुमा इनको बताओ इमाम जमाना का दिन होता है, तजदीद बयात इमाम जमाना के लिए आया करो, अच्छे अच्छे आमाल अंजाम दिया करो ताकि इमाम को पता चले मैं जहूर करूं तो फुला फुला इलाके के फुला मोमिन मेरे साथ हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इस्म बताऊं अल्लाह का, इस्म अलिफ से क्या बनता है, सीन से, ये सना अल्लाह बनता है, वो से वाला सना नहीं है, हाँ ये सीन से सना है। इसका मतलब ये है अल्लाह की अजमत। और हमारी उर्दू में फिर लुगत इतनी मुख्तसर है कि हमारे पास फिर अल्फाज नहीं होते, फिर अल्फाज मिल जाएंगे तो उनका तर्जमा ही ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, उसकी गर्दन अल्लाह की सना अजमत से बनी हुई है। और उसके बाद फरमाते हैं कि उसका जो कोहान है वो किस चीज का बना हुआ है, कोहान जिस पे जिस नाका पे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी ने सवार होके आना है वो किस चीज का है, मिन रिज़वानिल्लाह, वो अल्लाह की रिजाओं का बना हुआ है। बड़ा औखा नारा लगता पी है जी, टैक्स लग गया ना, इथाई लगे ना टैक्स, या लिया आज 100 रुपया नारे पे टैक्स लग जाए ना तो हम चुप कर जाएंगे, हम कहेंगे भाई यार फिर अगले साल से ही। अब मेरी तरफ देखना, नियाज हुसैन मेरी तरफ देखना, आलम क्या है, रिजवान ये रिजा से है। ठीक है जी, असाद नहीं भाई, अल्लाह आप पे राजी हो जाए, खुदा करे कि हम पे अहले बैत अतहार राजी हो जाए। तो मैं आपको चार मिसरे सुनाता हूँ, फिर मैं आपको फरोलता हूँ भाई आप क्या करते हैं अशआर के साथ क्या करते हैं। ठीक है, शेर सुनना जिंदा बंदे की अलामत होती है, जौक जिसका जौक सलीम मौजूद हो, जिसका जौक ही नहीं है तो उसको क्या पता कि शायर ने क्या कहा है। और इतनी अजमत है आले मोहम्मद की मिदहत में शेर कहने की। मासूम फरमाते हैं मन काला फीना बैतन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नत औसा मिन दुनिया सबा मर्रात। मासूम फरमाते हैं जो बंदा हमारी मिदहत में एक शेर कह दे अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है, इतना बड़ा घर होता है जो इस कायनात से 7 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए शायर थे दरबारी शायर।
हसन बिन साबित मोहम्मद मुस्तफा के शायर, कुमायत शायर, अभी फराज शायर, फरजदक शायर, देबल खुजाई शायर, बड़े बड़े शोरा, इब्ने अरंदस हिली शायर, बड़े बड़े लोगों ने हैं अपनी खामा फरसाई की है मिदहत आले मोहम्मद पे। चार मिसरे सुना रहा हूं, अगर आपने तवज्जो फरमा ली तो फिर एक आध जुमला और तर्जमे का, वरना या अली या अली, उसूल बर्ग यही है कि फूल राजी हो। हाँ, उसूल बर्ग यही है कि फूल राजी हो। उसूल बर्ग जानते हो है, जो फूल के नीचे सब सब पत्तियां होती हैं ना, वो बर्ग होते हैं। फूल तो ऊपर वाला है, जो कटोरी बनी होती है खूबसूरत, कली होती है, खिलती है तो फूल बनता है। उसके नीचे जो सब पत्तियां होती हैं वो बर्ग फूल होते हैं। उसूल बर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो अल्लाह ने क्यों बनाए हैं? ताकि वो फूल की हिफाजत करते रहे, इसलिए फूल महफूज रहे। ठीक है, अगर वो हिफाजत छोड़ दें तो फिर उन्होंने हक अदा नहीं किया। उसूल फर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुश नसीब के जिस पे रसूल राजी हो। हाँ हाँ, कुछ हलचल मची है, आपके मिजाज ने करवट बदली है। याली 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 याली। उसूल फर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुश नसीब के जिस पे रसूल राजी हो। और जिसे जिसे भी कहो कहेंगे राजी अल्लाह, मगर ये शर्त के पहले बतूल राजी हो। आली 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 आली। पढ़ने वाला है या क्या करना है? अच्छा, सल्ले अला मोहम्मद। ठीक है, एक बात फजाइल की, एक फकत बात, गर्मी नहीं है। अगर इरादा अपने आप पे गर्मी सवार करोगे तो फिर गर्मी लगेगी। हाँ, बस आपके जहन में ये होना चाहिए, अली बादशाह का वो नाम है, अगर सर्दी में लिया जाए तो हिद्दत महसूस होती है, गर्मी में अली अली किया जाए तो ठंडक महसूस होती है। ये मेरे मौला का पाक फरमान है। जनाबे अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जब मेरा नाम लो दिल में ठंडक महसूस हो तो माँ को कसरत के साथ दुआ दिया करो, उसने हलाली पैदा किया है। ठीक है, बड़ी बातें हैं भाई, बड़ी बड़ी बातें जनाबे सैयदा की सवारी के मुतल्लिक। उसके बाद फरमाया, जो उसकी दुम है वो कुद्स इलाही की बनी हुई है, जो उसकी टांगे हैं वो मजद इलाही की बनी हुई है। अब मजिस की तर्जमा या तफसीर में इससे ज्यादा बयान नहीं कर सकता, ये तमजीद से है। और आप कहते हैं कुरान मजीद, जो मादा मजीद का है वही मजिद का है। ये सवारी है इज्जत वाली। आप किसी दुनिया में चले गए हैं तो मैं आपको वापस लाने की कोशिश करता हूँ। कायनात आलम के रसूल ने फरमाया, ये खसूसियात है, वइन मशत सबाहत वइन रगत कदासत। फरमाया है सवारी की ये खासूसियत है, जब चलती है तो कुद्दूसन कुद्दूसन कहती है, जब बोलती है तो सुपूहन सुपूहन की आवाज आती है। याली याली। एक और सिफत डॉक्टर साहब, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, बस यही सुन लें आप, उसके बाद जिक्र मसाइब। कायनात आलम के रसूल की ये सिफत है, सारे जानते हो, ये बात हर कोई जानता है जो सुनाने लगा हूं। अरब के लोगों ने कुआं खोदा और पानी कड़वा निकला जमीन से, परेशान हो गए। रिसालत इमाम की खिदमत आलिया में आए, हुजूर बड़ी मुश्किल से हमने कुआं खोदा है, पानी भी निकला है लेकिन कड़वा है। सरकार ने फरमाया, मेरे होते हुए घबरा क्यों गए हो? हाँ, मुझे कुएं तक ले जा सकते हो? हाँ मौला। सरकार ने फरमाया, मुझे ले जाओ। लेके गए। कायनात आलम के रसूल ने क्या किया? कोई दम शम नहीं पड़ा। कुरान जिस कल पे आया है उस मोहम्मद मुस्तफा ने एक आयत भी नहीं पढ़ी, एक आयत भी। हाँ, कुएं की मुंडेर पे खड़े हो गए। ठीक है, मुंडेर पे खड़े हो गए, सरकार ने अपना लुआब दहन हमारी इस्तलाह में, हमारी बोली में, उस कुएं में थूका और फरमाया, अब डोल भरो। जब डोल भरा, इतना खुशगवार मीठा पानी कहते हैं हमने जिंदगी में कभी नहीं पिया, ये मोहम्मद मुस्तफा के लुआब का, ये थूक का मौजूदा है, और ये है मोहम्मद के लुआब का मौजूदा जो अली मोह
मोहम्मद का खून है उसके कितने मौजदात होंगे। ठीक है, और सरकार ने यह फरमाया है, खुद इसी हदीस का जुमला है, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने यह रिवायत लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, मुझे पता है मुस्तनद तरीन किताब है, मुताखरीन ने भी लिखी है, मुतकद्दमीन ने भी लिखी है, जो मैंने पढ़ी है। सरकार फरमा रहे हैं जनाबे सलमान फारसी से, ओ मेरी बेटी की फजीलत सुनने वाले, अल्लाह के नाम पे सवाल करने वाले सलमान, आ मादर हसनैन की फजीलत सुन। समंदर कितने हैं भाई मुहक्किकीन बताओ, कितने समंदर? सात। बड़े आजम सात, जमीनें सात, आसमान सात, और उसके बाद कुरान की मंजिलें सात, सूरह फातिहा की आयात सात, जनाब अब्बास के पाक नाम के अदद सात, सात समंदर हैं। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया बहुत बलो तफा अलत फी सबात अब होरन माले हदन लाजबत, अगर मेरी बेटी सहरा सात समंदरों में अपने लुआबे दहन का एक कतरा फेंक दे तो सारे समंदर मीठे हो जाए। और समंदर की सिफत यही है कि उसका पानी कड़वा होता है, खारे पानी होता है उसका, बड़ा मुश्किल से वो मीठा बनता है। तो ये मादर हसनैन के लुआब के एक कतरे में ये तासीर है। ठीक है, यही बीबी उम्र थोड़ी, नसाइब ज्यादा, हुसैन की पाक अम्मा। बाज़ अहबाब को इल्म नहीं होता कि तुम्हें पता होना चाहिए हुसैन की दुखियारी अम्मा की उम्र कितनी है, 18 साल कुछ माह। 18 साल में तो कोई बंदा ज़ईफ नहीं होता, ये तो शबाब की उम्र है। 18 साल कुछ माह बीबी पाक की उम्र, सर के बाल सफेद हो गए, दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती, कमर झुक चुकी है, ये क्यों हुआ ऐसा? मेरे सुन्नी भाई अगर तशरीफ फरमाओ तो अपने उलमा से पूछना कि क्या वजह है, हमारे नबी के जनाजे में बंदे थोड़े क्यों थे, इसकी वजह पूछना। अगर वो ये कहें कि जनाजा नबी का नहीं होता तो फिर कहो ये सुन्नत है, हर बात तो नबी की सुन्नत पे अमल करते हो तो फिर हमें भी जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। सुल्तान आलमीन के जनाजे में बंदे थोड़े क्यों थे, ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि बीबी पाक को मदीने में रोने क्यों नहीं दिया गया। हम तो रोते हैं शियो, आपको तो यही पता है कि शेमर नहीं रोने देता था। अफसोस तो यही है, मदीने में मोहम्मद मुस्तफा की कब्र की हमसायगी में हुसैन की अम्मा के रोने पे भी पाबंदी थी, मुसलमान नहीं बर्दाश्त करते थे। काफी मर्तबा आए जनाब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत आलिया में, या अली अपने हरम से कहो रोने का कोई वक्त मुकरर करे। मेरे मौला अमीर ने रो के फरमाया, जब भी रोती हैं मुझसे भी छुप छुप के रोती हैं, तुम्हें कैसे पता चल जाता है हुसैन की अम्मा रो रही है। वो कहते हैं हमें तो और कोई पता नहीं चलता। रिवायतें दोनों मिलती हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है वो कहते हैं कि एक तो ये है हमारे बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, मकान आते मदीना टकराना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा में इस बात से पता चलता है हमारे हैवानात चारा खाना छोड़ देते हैं। ये आलम, ये हालत क्यों हुई है तुम्हारे नबी की बेटी की? सरकार रिसालत माब 28 सफर को विशाल है, यही महीना सफर का है, 30 को दफन किया गया है हमारे नबी को। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने 3 दिन इतमाम हुज्जत के लिए इंतजार किया है, लेकिन लोग मसरूफ थे, जो आने थे वही आए मोहम्मद मुस्तफा के जनाजे में। डॉक्टर साहब यकुम रबीउल अव्वल की बात है, और एक रिवायत में ये है कि ये 7 रबीउल अव्वल की बात है। अब जो भी हो, मैं मुहक्किक नहीं हूं कि इस बात का कतईयत के साथ फैसला करूं,
यकम रबीउल अव्वल है या सात है। रिवायतें दोनों मैंने पढ़ी हैं और मुजहकीर की एक किताब भी है मक्तल हजरत मोहसिन, मोहसिन इब्ने अली शहीद हुए हैं उनका मक्तल भी है अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ बयान हुआ है। तो उस दिन का वाकया है यकम रबीउल अव्वल या सात का। बीबी पाक बहुत रोती थी, बीबी रो रो के फरमाया करती थी जनाब अमीरुल मोमिनीन से, या अली किसी बंदे ने मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताज़ियत पेश नहीं की। मेरे मौला भाई जो बेटियों के बाप हो क्यों परेशान हो रहे हो, हाँ शर्मा के न रोया करो, दुआ मांगा करो और शुक्र अदा किया करो खुदावंद आलम का कि हमारे रोने पे कोई पाबंदी नहीं होती। जब भी हमारा कोई फौत हो जाए वो हम दिल खोल के अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, अरमान निकालते हैं। लेकिन किस्मत हुसैन मुसाफिर की वालदा की, जिसको बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के गम में भी कोई नहीं रोने देता था। रोने वालों, बीबी पाक ने पूछा या अली किसी बंदे ने मेरे बाबा की ताजियत पेश नहीं की। कहनाते आलम के अमीर ने रो के फरमाया आओ मैं मसनद बिछाता हूँ, आप मसनद पे बैठ जाएं। जो बंदे तेरे बाबा के जनाजे में थे ना वो ताजियत पेश कर रहे हैं। रोने वालों, बीबी ने रो के फरमाया या अली आप इंसाफ करें, या अली जिस बीबी का मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा बाबा दुनिया से चला जाए भला वो बेटी मसनद पे बैठने के लायक रह जाती है। रोने वालों, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन भी मट्टी पे बैठ गए, जनाब सैयदा भी। मेरे मौला अमीर ने रो के फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेऐन ही जिस तरह जाकिरीन उलमा पढ़ते हैं कि शिमर बगैर ने हुसैन बादशाह के लाशे पे आलिया बीबी को एक बयान की इजाजत दी, यहां पहला बयान खत्म नहीं हुआ था कि दरवाजे पे लश्कर की शोरशें शुरू हो गई, लश्कर का आना शुरू हो गया। 300 बंदे से लेकर 3000 बंदे तक की रिवायात मिलती हैं। जब मैं मक्तल पढ़ता हूं तो मैं अपने छोटे बच्चों को भी दिखाता हूं निशान लगा के कि ये जनाब सैयदा की मजलूमियत का बाब है और हमारे बाद भी पढ़ना मोमिनीन को बताना। रोने वालों, इधर मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह उठे, बीबी पाक ने फरमाया या अली आप नहीं, दरवाजे पे मैं जाऊंगी। मेरे मौला अमीर ने रो के फरमाया सैयदा सोच के जनाजे पे जाना, ये नजरान के ईसाई नहीं जो तेरा हया करेंगे। बीबी पाक से फरमाया ये मदीना है, ये अरब है, ये मुसलमान है, सोच के जाना। बीबी ने फरमाया या अली मैंने तेरी हिफाजत करनी है, दरवाजे पे मुझे जाना है, इत्माम में हुज्जत हो जाए कि मोहम्मद मुस्तफा की बेटी खुद आई थी और लोगों ने क्या सलूक किया है। रोने वालों, जाकिरीन तो पढ़ते हैं ना कि फलां शहीद नहीं जा रहा था, उसका जनाजा जा रहा था, और मुझे बीबी पाक की गुरबत की कसम, बीबी पाक के कदम ऐसे उठ रहे थे जैसे जनाजा चल के जा रहा होता है। उसके बाद बीबी पाक की जो हालत है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हुसैन की पाक अम्मा आई ऐसा ऐसा दरवाजे के करीब। रोने वाले, दरवाजा बंद था, बीबी ने यूं हाथ रखे और पूछा कौन हो, क्यों आए हो? जवाब मिला हम मुसलमान हैं। बीबी पाक ने तसल्ली के तौर पे पूछा मेरे बाबा की ताजियत के लिए आए हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो बैत के लिए आए हैं। बीबी पाक ने फरमाया अगर अली बैत न करें तो फिर? किसी ने जवाब दिया हम दरवाजा तोड़ के या जला के अंदर आ जाएंगे। हुसैन की अम्मा ने रो के फरमाया तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वही दरवाजा है जिस पे मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफा मेरी इजाजत के बगैर नहीं आया करते थे। हया करो, मैं मोहम्मद मुस्तफा की बेटी हूं। और रोने वाले, तहकीक कर लेना, औसा जो एक दरख्त होता है अरबिस्तान में, उसकी लकड़ियां बहुत तेज जलती हैं। वो लकड़ियां साथ लेके आए थे, मंसूबे के साथ आए थे, उन्होंने लकड़ियों को जलाना शुरू कर दिया। अब लकड़ियों की आग की हिद्दत हुसैन के अम्मा के कलेजे तक पहुंच रही है। रोने वालों, आवाजें लगा रहे हैं अली को बाहर भेजो। बीबी ने फरमाया हया करो, और मेरे बाबा अभी ताजा ताजा फौत हुए हैं, और मेरे बाबा की कब्र की मिट्टी
मिट्टी भी अभी तक खुश्क नहीं हुई। ओ हया करो, हमें चैन से जीने दो। रोने वालों, ये आवाजें लगा रहे थे। जब आधे से ज्यादा दरवाजा जल गया था, लोहे की मेखें सुर्ख हो गई थी। जिस बंदे ने मातम करना है, तुम्हें क्या पता कि अहले बैत अतहार का कितना बड़ा नुकसान है। हुसैन पाक की अम्मा की शहादत, ये इमाम जमाना से पूछ। जो बीबी पाक का चला हुआ दरवाजा है, उसकी जो लकड़ियां बच गई थी, इमाम जमाना के मुसल्ले के करीब पड़ी है। हर नमाज के बाद बीबी सैयदा का और हुसैन मजलूम का इमाम जमाना नोहा पढ़ते हैं और रो रो के कहते हैं, मेरे अल्लाह कब हुक्म होगा, मैं खुरूज करूंगा। पहली दादी जहरा से के काफिलों से इंतकाम लूंगा, उसके बाद जनाब हुसैन के काफिलों से इंतकाम लूंगा। रोने वालों, आधे से ज्यादा दरवाजा जल गया, लोहे की मेखें सुर्ख हो गई। एक जालिम ने दरवाजे को बढ़ के धक्का दिया। रोने वालों, दरवाजा हुसैन की अम्मा के पहलू पे लगा। इधर दरवाजा है, पीछे दीवार है। हुसैन की अम्मा दरवाजे और दीवार के दरमियान आ गई। और तुम मातम करते हो, शेमर खयाम में दाखिल हुआ, यहां लश्कर बतूल के घर में दाखिल हुआ। मातम करके कहो ना, सीना प्यारा न कर, मोहम्मद मुस्तफा की दुखियारी बेटी का मसाय पढ़ रहा हूं। तुम झोलियां फैला के बैठो, बड़ी मकबूल मजलिस है। रोने वालों, अब हालत क्या है, बीबी दरवाजे और दीवार के दरमियान आ गई। तुम मातम करते हो, शेमर खयाम में दाखिल हुआ और यहां भी लश्कर दाखिल हो गया। और रोने वालों, यहां और करबला के मसाय में बड़ी ममासलत है। और करबला में खयाम जलाए गए, यहां सैयदा का दरवाजा जलाया गया। और रोने वालों, आप कहो वहां अली असगर की शहादत हुई है, यहां जनाब मोहसिन पाक को मारा गया। और रोने वालों, यहां भी अहले बैत की बेहरमती की गई। अगर कहो इमाम सज्जाद को कैदी बनाया था शेमर ने करबला में, यहां मदीने में जनाब अमीर को कैदी बनाया गया। रोने वालों, मुसलमान दाखिल हो गए, मेरे मौला अमीर को कैदी बनाया और कैदी बना के मस्जिद में ले गए। बीबी ने रो के फरमाया, अम्मा फिजा, और मेरी जिंदगी खत्म हो गई है और मेरा पहलू जख्मी है। आ मुझे उठा, मुझे बिस्तर से ले जा। रोने वालों, बीबी फिजा आई, जनाब सैयदा को सुलाया। बीबी ने पूछा, अली बादशाह कहा है? इसलिए कहा था, उम्र 18 साल है, मसाय पहाड़ से ज्यादा है, मोहम्मद मुस्तफा की दुखियारी बेटी की मुसीबत पढ़ने लगा हूं। रोने वालों, मातमियों मेरी तरफ देखना। बीबी ने पूछा, अली बादशाह कहा है? जवाब मिला, मुसलमान कैदी बना के ले गए। और रोने वालों, कैद का नाम आया। बड़ी मुश्किल से बीबी पाक ने अपने पहलू से हाथ हटाया, वो दोनों हाथ जोड़ के कहा, और मैं तेरी आका जाती हूं, लेकिन एहसान कर, मुझे मस्जिद में ले चल। बीबी फिजा ने तसल्ली दी, अली बड़े बहादुर हैं, आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, बीबी ने रो के फरमाया, अम्मा फिजा, इंसाफ से बताओ, मेरी जिंदगी दरवाजा खा गया है, मैंने ज्यादा नहीं जीना इस दुनिया में, लेकिन मुझे ये बता, अगर अली बादशाह शहीद हो गए और जो मेरी परवरदार बेटी बाबा के सामने नहीं आती, वो जिंदगी कैसे गुजारेगी? आफरीन, यही हक है गरीबों के गम में रोने का। सीना प्यारा ना कर, मैं बीबी पाक से हाथ जोड़ के पूछता हूं, बीबी आपको बड़ा ख्याल था आलिया बीबी का, लेकिन मुझे ये तो बताओ, उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरी होगी जब यही आलिया बीबी पे मकनो चादर शराबी के दरबार में पेशी दे रही होगी। मातम करो, सीना प्यारा ना करो, मौला पाक आपका पुरसा मंजूर और मकबूल फरमाए। बानियान समेत मौला पाक तुम्हारी यहां झोलियां भर के यहां से रवाना फरमाए। आप आलम क्या है? हाँ, आप कुछ ना करें, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह 10-15 मिनट और मैं पढ़ूंगा बीबी पाक की शहादत। हाँ, मेरी तरफ देखना है आपने। जनाब फिजा लेके आई मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, बीबी पाक ने फिर बड़ी मुश्किल से ये दूसरी मरतबा पहलू से हाथ हटाया, मस्जिद नबवी के दरवाजे में हाथ डाले। हर शाही चावन वालों, बीबी ने तीन बयान किए, कायनात आलम की हर शय में जलजले पपा हो गए। हाँ, जन्नत में हुरा ने जन्नत ने भी मातम शुरू कर दिया, गिलमान ने जन्नत ने भी, मलाइका ने ताज उतार के फेंक दिए। अब रसूल पाक की बेटी फरमा रही हैं, ये बात जहन में है ना, 28 को रसूल पाक का विशाल है,
30 को दफन हुए हैं, ये यकम की बात है या 7 रबीउल अव्वल, हाँ 8-10 दिन पहले या तीसरे चौथे दिन की बात। रोने वालों अब आलम क्या है, बीबी ने रो के फरमाया मुसलमानों हसब तुम हक की फसबर, तो तुमने मेरा हक गसब किया है, मैंने सब्र किया है। नहीं आता रोना बीबी पाक के हक गस्ब होने पर, बीबी रो के फरमा रही है गसब तुम हक की फसबर, तो तुमने मेरा हक गसब किया है, मैंने सब्र किया है। और कतल तुम इब्नी फसबर, तो तुमने मेरे मोहसिन को शहीद किया है, मैंने सब्र किया है। अब दिल पे चोट लगे माफ कर देना, जुमला वो है तैनात में जल्जले पपा हो गए थे। हुसैन की दुखियारी अम्मा रो के फरमा रही है कशर तुम जिली फसबर, तो तुमने मेरी 5 फसलियां तोड़ दी है, मैंने सब्र किया है। और मेरा पहलू जख्मी है और मेरी फसलियां टूट गई है, वो हमारा सरबरा कोई नहीं, वो ये अली रह गया है, ओ इस अली को छोड़ दो वरना मैं चादर हटा के बद्दुआ करूंगी। रोने वालों बद्दुआ का नाम आया, चादर तदहीर का नाम आया, मकानात मदीना टकराना शुरू हो गए, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होना शुरू हो गई, और इतनी बुलंद हो गई कि ऊंट सवार भी नीचे गुजर सकता था। मुसलमान डर गए और अली बादशाह को छोड़ दिया। अब बीबी पाक की वफा देखना, बीबी पाक ने चादर तदहीर से अली बादशाह के चेहरे से मिट्टी साफ करके रो के फरमाया या अली तेरी इमामत की कसम, तेरे चेहरे पे मिट्टी मुझे पहलू के दर्द से ज्यादा तकलीफ दे रही है। ओ या अली आज काश मेरा कोई भाई होता, ओ मैं दरबार में ना आती, ओ वो आके आपकी मदद करता, अली मेरी मजबूरी है। और रोने वालों मेरे मौला अमीर का बाजू पकड़ा, बीबी पाक घर में आफरीन, यही हक है गरीबों के गम में रोने का। मैं 1000 मर्तबा पढ़ूं, बीबी ने रो के फरमाया या अली काश आज मेरा कोई भाई होता, वो मैं दरबार में ना आती, वो आपके साथ आता या आपकी मदद के लिए आता, आ या अली मैं तेरी मुहब्बत करूं। और रोने वाले बीबी पाक अली बादशाह को लेके घर में आई। अब बीबी की जिंदगी हालत क्या है, हर वक्त रोती रहती है, लोगों ने मुसलमानों ने पाबंदी लगाई, हुसैन की अम्मा मदीने में न रोए। मेरे मौला अमीर ने रो के फरमाया मैं अली हो के वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारे शहर में नहीं रोएगी। मेरे मौला ने 3 मील बाहर बैतुल हुज्न बनाया, ये कायनात का पहला इमाम बारगाह जो मेरे मौला अमीर अल-मोमिनीन ने बनाया। रात को घोड़े पे सवार करा के मादर हसनैन को ले जाते थे, आप भी रोते थे, बीबी पाक भी रोती थी और फरमाते थे अब रो ले, यहां रोकने वाला कोई नहीं है। चंद दिनों के बाद और रोने वालों बाद लोगों ने उस इमामबाग को गिरा दिया या जला दिया, अब वो जगह भी खत्म हो गई। रोने वालों बीबी पाक का ये जुमला है पहाड़ फट जाए, ये ऐसा जुमला है बीबी के मसाइब का। जब बैतुल हुज्न गिराया गया बीबी ने आसमान की तरह मुंह करके कहा अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती, मेरे अल्लाह मुझे अब जल्दी मौत दे दे, ओ मेरा ठिकाना कहीं भी नहीं रहा, ओ मदीने में बाबा की उम्मत नहीं रोने देती थी। इधर आए थे, ये घर भी गिरा दिया या जला दिया। आफरीन मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह एक दिन फरमा रहे हैं सैयदा अगर आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो मेरी गुर्बत की शिकायत बाबा से न करना। बल्कि बीबी पाक ने जवाब दिया या अली आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई हो मुझे माफ कर देना। मेरे मौला अमीर बहुत रोए, इस तरह रोए जैसे मासूम बच्चे रोते हैं। फरमाया तू अमानत थी, तेरे बाबा ने अमानत दी थी, अमानत का ये कानून है और जिस तरह ली जाए उसी तरह वापस की जाए। रोने वालों कयामत से बड़ा मसाए। फरमाया जब आई थी कमर सीधी थी, सर के बाल स्याह थे, अब सफेद हो गए, कमर झुक गई, दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती। रोने वालों बीबी ने रो के फरमाया अपने शहजादों से एक दिन पहले उनको नहलवाया, नए कपड़े दिए, इधर से खाना पकवाना शुरू कर दिया। शहजादों से फरमाया कि जाओ नाना की कब्र पे मेरी सेहत के लिए दुआ मांगो। रोने वालों शहजादे दुआ मांग रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफा की कब्र में जलजला पपा हो गया। आवाज आई आमद बिल खैर, तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया। शहजादे दौड़ते हुए आए, छोटी
खुशियां हवा में है। रोने वालों बीबी उम्मे ऐमन या बीबी सलमा ने, उम्मे सलमा ने कहा पहले खाना खाओ, ठंडा पानी पियो, उसके बाद माँ के हुजरे में दाना। मौला हसन मुज्तबा खामोश रहे। गरीब करबला ने फरमाया और जिसकी अम्मा का इंतकाल हो जाए उसको खाने पीने याद नहीं रहते। और रोने वालों बीबी के साथ लिपट गए। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, लाली हुसैन को जहरा से हटा ले वरना मेरा अर्श गिर पड़ेगा। मैं कहता हूं मेरे अल्लाह तेरा अर्श उस वक्त क्यों नहीं गिरा था जब यही हुसैन उसके गले पे जरमे चल रही थी, इसकी चार साल बीबी बेटी और मिन्नतें कर रही थी, उस वक्त तेरा अर्श नहीं गिरा था। रोने वालों हो गई बीबी पाक की शहादत, बीबी शहीदा है और इसकी वफात नहीं है। हुसैन की अम्मा को मारा गया और शहीद किया गया, इतना जुल्म हुआ। जिस तरह करबला में हुसैन पे जुल्म हुआ उतना मदीने में हुसैन की अम्मा पे जुल्म हुआ। और रोने वालों मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने और कफन दिया, गुस्ल के बाद कफन पहनाया। जब जनाजा तैयार हो गया मेरे मौला अमीर ने अपनी औलाद से कहा आओ अम्मा का आखिरी दीदार कर लो। आलिया बीबी भी आई, हसन मुज्तबा भी आए, हुसैन बादशाह की बहन उम्मे कुलसूम भी आई, लेकिन हुसैन मजलूम दूर खड़े रो रहे हैं। और शाही चावन वालों अमीरुल मोमिनीन ने पूछा हुसैन आप अम्मा के जनाजे पे नहीं आओगे? हुसैन ने रो के जवाब दिया मैं फखरे ईसा हूं, मेरी अम्मा फखरे मरियम है, जब तक मुझे कफन से नहीं बुलाएगी और मैं नहीं आऊंगा। और ये जुमला सुनना था हुसैन की अम्मा का हाथ और बल्कि दोनों हाथ कफन से बरामद हुए। आवाज आई बिस्मिल्लाह मेरा करबला का गरीब बेटा, और बिस्मिल्लाह मेरा तीन दिन का भूखा और प्यासा बेटा, बिस्मिल्लाह मेरा उम्मत का सताया हुआ बेटा। हुसैन आ गए, अम्मा के जनाजे से लिपट गए। खत्म करने लगा हूं, आप थक गए हो, मजमून नहीं खत्म होने वाला। बीबी ने फरमाया हुसैन मेरा उधार है। हुसैन ने कहा मैं अल्लाह का उधार भी नहीं रखता। रोने वालों आ गई गरीबों वाली रात, शाम गरीबा। एक बेगैरत कहता है लाशें लूटने के लिए मैं मक्तल में गया, मैंने देखा आसमान से नूरानी हमारी उतरी, मोहम्मद मुस्तफा के सर पे इमामा नहीं, पांव में नाले नहीं, गरीबान चाक है। हुसैन हुसैन कहते हुए हुसैन के लाशे पे, यही हालत अली बादशाह की हुसैन के लाशे पे, यही हालत हसन मुज्तबा की हुसैन के लाशे पे। ये बेगैरत कहते हैं मैंने देखा एक पर्दादार बीबी है जिसको मौत का संदला बंधा हुआ है, माथे पे मौत की पट्टी है। अली ने फरमाया हुसैन के जनाजे पे नहीं आओगी? बीबी ने फरमाया हुसैन मेरा मकरूज है, तेरी मर्जी, तू थक के सुन, मसायब वो है अर्श हिलने लग जाए तो न करना। और रोने वालों बीबी ने फरमाया हुसैन मेरा मकरूज है, और पत्थरों तीरों तलवारों के टुकड़ों के ढेर से हुसैन का कटा हुआ लाशा बरामद हुआ। और मौला हुसैन ने रो के फरमाया अम्मा तूने कफन में बुलाया और मैं बेकफन बुला रहा हूं, तूने वतन में बुलाया और मैं बेवतन बुला रहा हूं। अम्मा तेरा एक पहलू जख्मी था और मेरा पूरा जिस्म जख्मी है। अम्मा तूने सो के बुलाया और मैं हुसैन तेरे इस्तकबाल में चल के बुला रहा हूं। ओ मेरी दुखियारी अम्मा, हजरत मोमिनीन ये थे जनाबे।